मुझे कुछ मत कहिए, प्लीज मेरे सामने से हट जाइए। काट, ओके। अभी एग्जाम हमारी मान लीजिए दोनों का। किन दोनों का? अरे थोड़ा सा एक खाता का प्रॉब्लम। क्या हुआ क्या तुमको? काट, ओके, ओके। कुछ नहीं जीजा जी, बस आप इस वक्त मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। भाभी क्या हुआ? कुछ क्या सोच रहे आप? युवराज के बारे में। अच्छा, तो व्यू के बारे में सोचने पर स्माइल कर रहे थे आप? आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं के बारे में सोच के अपने आप मुस्कुरा कर देते हैं। अच्छा भाभी, मेरे बाल बचाने के लिए। और हाँ, आई एम वेरी सॉरी, आज की बात ना मैं कभी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं गौरी। कोई बात नहीं गौरी, आप जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, झगड़ा भी उसी से सबसे ज्यादा करते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप और भी इतना झगड़ा करते हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, है ना? तो मतलब आप उनके बारे में सोचकर स्माइल कर रहे थे? मतलब अगर आप किसी ऐसे के बारे में सोचो और उसको सोचकर आपको स्माइल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान आपके लिए सबसे खास है। जब भी आप अपनी आंखें बंद करोगे ना तो सुनो का आई क्या ना रे पैटर्न का मैं और उल्टी पुल्टी होगी ना। यहाँ तक थी सब लोगों ने कहा था तेरे इधर आओ आप मत इधर आपसे तो आप मना कर दिए थे ये बोले हाँ मेरे को क्या पूछा बैठे हो काटते हैं क्या नहीं सर मतलब काटना ही है सर। क्या करना है सर? के आगे आने से वन मोर वॉइस।
चलो ना राजी सर आप आ जाइए ओके सर हमारे वजह से हुआ सॉरी गेस्ट नहीं होएगा अनु के बारे में सोचा कैसे वो हेल्प करता था सेल्फी टीचिंग स्माइल सब फ्लैशेस आ रहे आके खोल एक्शन पे बंद करना स्पेशल पर्सन तुम्हारे लिए वही होता है अगर वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे वो तुम्हारे लिए स्पेशल हो जाता है उसी की फोटो आज बन पर अजीत मुझे प्यार नहीं करेगा क्योंकि वाली कहानी क्योंकि जो सीन चल रहा है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते गौरी का सीन है इसलिए गौरी बताएगी वेल अभी जैसे आपको दिख रहा है मेरा मेकओवर हो गया है मेरे बाल सारे कर्ल हो गए हैं मेरा मेकअप हुआ हुआ है सो बेसिकली गौरी का मेकओवर हो गया है उसकी भाभियों ने अच्छे से उसको तैयार व्यार करके ऐसी चेंज के लिए उसको कराया है प्लस अभी आई थिंक गौरी प्यार के लेसन्स ले रही है सुहानी से उसके और युवराज के बारे में पूछ रही है कि क्या क्या करते थे कैसे प्यार हुआ एंड ऑल दैट सो बेसिकली ये भाभी ननद सीन है ये सो लेट्स सी व्हाट द भाभी हैज टू से नाउ सुहानी जी क्या टिप्स देने वाली हैं आप उन्हें प्यार की प्यार जैसे मेरा युवराज का प्यार हुआ था कि कब प्यार हो गया मुझे भी पता नहीं चला कब वो गुस्से सड़ूसा इंसान मुझे अच्छा लगने लगा तो प्यार बस वही जो जो हुआ वही बता रही थी क्या आपको तो सब पता है उनके प्यार के बारे में जो उनके टीचर बने थे उनको शायद से उनसे प्यार हो गया अभी हम जो देख रहे थे सीन यहाँ पे वो गुस्से में अंदर आ रहे थे वो सीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो सीन के पहले भी कुछ सीन हुआ है मतलब मुझे नहीं पसंद है कि आदि इस घर में आया और गौरी को पढ़ाया या आदि या गौरी का कोई रिश्ता हो इसके लिए मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ और मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम प्लीज़ घर से बाहर निकल जाओ पर गौरी को आई थिंक उसकी कंपनी अच्छी लगती है तो जब भी यू नो शी इज ऑलवेज हैप्पी विद हिम पढ़ा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ उसको अच्छी लगती है उसकी कंपनी प्यार व्यार उसको उसकी तरफ से है कि नहीं वो नहीं पता बट या शी लाइक्स द कंपनी
बट हाँ अभी प्यार की बातें पूछ रही है तो शायद कुछ एंगल आगे निकाल ले, कुछ पता नहीं. एंड देन लेट्स सी भाभी सपोर्ट करती नहीं करती, क्योंकि अभी इफ शी इज़ वेरी मच अगेंस्ट कि आदित्य को गौरी से दूर रहना चाहिए, फिर पता नहीं मेरा रिश्ता होने भी दे गया नहीं. सो आगे इस शो में सुहानी से एक लड़की और भी आने वाले हैं, वो तो आते ही रहते हैं हमेशा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा और हमें ऐसे ही प्यार देते रहना पड़ेगा. सो अपने दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं और प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहिए. यस एंड कीप वॉचिंग सुहानी सी लड़की. बाय, टेक केयर. थैंक यू.